गांधी जी ने अपने जीवन में सदैव सत्य अहिंसा और अस्तेय को स्थान दिया था। उन्होंने हमेशा इस बात के लिए उनका आग्रह था, उनका आग्रह ही सत्याग्रह कहलाया, यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही सत्याग्रह कर सकता है। असत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी सत्याग्रह की बात करे, यह व्यक्ति के यानी आचरण और व्यवहार, आचार और विचार, कथनी और करनी दोनों के भेद को बहुत स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, वह सत्याग्रह की अगर बात करे तो यह अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। और इसीलिए आज जब हम